नमस्कार, आप देख रहे हैं शिवम चैनल डोडा। आज हमने विजिट किया है बीएमओ ऑफिस घट में। आज यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि नेशनल वैक्सीनेशन डे 16 मार्च को आज फर्स्ट टाइम मनाया गया है, तो हम आपको रूबरू कराएंगे जो सीएमओ डोडा है, हम इनसे बातचीत करेंगे कि आज जो ये वैक्सीनेशन डे मनाया गया, क्यों मनाया गया, इसका क्या मकसद था। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सर। थोड़ा सा बताइए कि आज जो ये वैक्सीनेशन डे आपने मनाया, सर इसका क्या मकसद था, क्यों आज के दिन मनाया गया? ये जो आज का दिन था नेशनल वैक्सीनेशन डे, ये पूरी स्टेट में 16 जो मार्च है इस दिन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक वैक्सीनेशन डे 16 तारीख डेजिग्नेट की गई और इस डे को हम नेशनल वैक्सीनेशन डे की तरह मनाने जा रहे हैं। और आज पहली बार ये हम वैक्सीनेशन डे मनाने जा रहे हैं। इस वैक्सीनेशन डे का बनाने का हमारा जो खास मकसद है वो ये है कि जितनी भी हमें वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ हैं जो हमें वैक्सीन लगाने से हमारे अंदर एक इम्यूनिटी बनती है और उस इम्यूनिटी से जब वायरस आता है तो हम उसको फाइट कर सकते हैं। हमारे पर एक अपने अंदर एक इम्यूनिटी बन जाती है जिसकी वजह से फाइट कर सकते हैं अगेंस्ट एनी वायरल डिजीज़। तो उसी को अवेयर करने के लिए इस डे को हम आज मनाने जा रहे हैं और हमने आज ये डे मनाया। और हमने ये डे आज हमने पीएससी घाट और जितने भी हमारे ब्लॉक हेडक्वार्टर से और दूसरी जगह वहाँ पे हमने ये नेशनल वैक्सीनेशन डे आज मनाया। और इसका जो थीम, इस बार का थीम है वैक्सीनेशन फॉर ऑल, यानी जो भी हमारे एलिजिबल कपल्स हैं, एलिजिबल ग्रुप्स हैं, एलिजिबल बेनिफिशरीज हैं, उनको वैक्सीनेशन इन टाइम मिले। इन टाइम मिलने के साथ साथ वो उसका उस वक्त उसका भरपूर फ़ायदा उनको मिले। जैसे आपने देखा, हम पिछले 2 साल से कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, कोविड से जूझ रहे हैं, और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे लिए वैक्सीन तैयार की और उस वैक्सीन को हमने लोगों तक पहुंचाया। जब जब उनने बोला किस एज ग्रुप को कब लगेगी तो हमने उन लोगों तक पहुंचाया। और आप मीडिया की जो साथ आपने दिया इसको अवेयरनेस करने में, इसको लोगों में आम करने के लिए कि भाई इस एज ग्रुप में वैक्सीन देनी है, वो उसको मिली और तभी जाके उनको मिली जब लोगों में अवेयरनेस पैदा होगी। तो हम इसके साथ साथ आपका भी शुक्रिया करते हैं कि आप जितना आपने हमें कोरोना में साथ दिया, आइंदा भी ऐसे आप हमारा साथ देंगे। और जो हमारी वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ हैं जैसे डिप्थीरिया है, मीज़ल है, रोटा वायरस, नमूनिया होता है, क्योंकि हमारे पास इतनी बड़ी वैक्सीनें आ गई हैं कि हम 60% तक डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। क्या मैसेज दोगे आज के दिन आप पूरी पब्लिक के लिए? मेरा मैसेज तो पूरे अपने डिस्ट्रिक्ट के तमाम लोगों से यही मैसेज होगा कि अपने बच्चों को, हमला ख्वातीन को कोविड वैक्सीनेशन के जितने भी बेनिफिशरीज हैं, जिस ग्रुप एज ग्रुप के पास हमें गाइडलाइन आई, वो आके अपने आप को भी, अपने बच्चों को भी, अपने परिवार को भी, अपने प्यारे लोगों को भी, अपने हमसायों को भी, सबको इसके बारे में अवेयर करें और जिस एज ग्रुप के लिए जो वैक्सीन ड्यू है उसको इन टाइम दें और इस वायरस से और बीमारियों से हम महफूज रहें, ताकि हमारा जो सोसाइटी है वो हेल्दी सोसाइटी हो। और उसके साथ साथ एक हेल्दी आदमी जो होता है वही एक नेशन को बिल्ड कर सकता है। तो जब उसके हेल्दी होंगे तो सबसे पहले हेल्थ है, तो हेल्थ के साथ साथ हम फिर दूसरे काम भी करते हैं। तो हेल्थ को करने के लिए प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। थैंक यू। तो ये थे, आपने देखा कि सीएमओ डोडा ने आज ये मैसेज दिया जो आज वैक्सीनेशन डे था, और सभी लोगों के लिए मैसेज दिया कि इससे बहुत सारी बीमारियां जो है दूर हो सकती हैं और ये वैक्सीनेशन हर किसी को लगाना चाहिए। आप यूँ ही देखते रहे शिवम चैनल डोडा। नमस्कार।